की एक और वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है अगर आपको मेकअप करना पसंद है, कुछ गलतियां करते हो, सॉल्यूशन मिल जाता है आपको बी नेचुरल पे। अब देखो शादी का सीजन है, कोई नेचुरली तो जाएगा नहीं, मेकअप तो आप डेफिनेटली करने वाले हो, तो कुछ मेकअप और ब्यूटी हैक्स आज आपको मैं बताने वाली हूँ। वीडियो इंटरेस्टिंग है, पसंद आती है, काम की लगती है, तभी एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और अपने सारे से जिंदगी में मेरी वीडियोस को शेयर जरूर किया कीजिएगा। दूसरों को हेल्प करोगे तभी तो आपको भी आगे कोई हेल्प करेगा। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हम लोग ना हमेशा फेयर और गोरा दिखना चाहते हैं और उस चक्कर में फाउंडेशन एकदम लाइट कलर का ले लेते हैं। हमारी ब्राउन स्किन टोन है और उसके ऊपर अगर आप एकदम ज्यादा लाइट कलर लगाओगे तो गोरे तो नहीं दिखोगे लेकिन अजीब से भूत और ग्रे कलर के नजर आओगे, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको क्या करना है, आपको फाउंडेशन लगाने से पहले, खरीदने से पहले यहाँ स्वॉच करके देखना है, अगर वो आपके स्किन टोन से मैच कर रहा है, आपके स्किन टोन में डिजॉल्व हो रहा है, तो वो आपका पर्टिकुलर कलर है। फाउंडेशन का काम होता है कि आपके स्किन टोन के कलर के हिसाब से ब्लेंड हो जाना है स्किन में और जो पिगमेंटेशन दाग धब्बे हैं वो हाइड कर देना। फाउंडेशन का कब तक मतलब ये नहीं है कि आप वो लगाओ और गोरे हो जाओ। चलो आप किसी वेडिंग में जा रहे हो और आपके पास लिपस्टिक तो है लेकिन आपके पास ब्लश नहीं है। जरूरी नहीं है कि मेकअप का सारा सामान आपके पास हो तभी आप रेडी हो सकते हो, आप DIY कर सकते हो ना, क्यों नहीं आप अपनी लिपस्टिक को एज अ ब्लश यूज करते। क्रीम ब्लशेस भी तो आते हैं, वो भी सेम चीज का ही बना होता है। तो जो कलर के लिपस्टिक आप लगा रहे हो वो सेम कलर को अपने चीक्स के ऊपर लगा के एज अ ब्लश भी आप यूज कर सकते हो। इनफैक्ट इसको एज आप आई शेडो भी यूज कर सकते हो। तो एक लिपस्टिक 3 यूजेस मैंने आपको बता दिए। मैं यहाँ जितने भी प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ सबका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, क्योंकि वेडिंग और फेस्टिव सीजन आ रहा है तो बहुत अच्छा खासा सेल है, तो आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे खासे डिस्काउंट में मिल जाएंगी, आप ट्राई जरूर कीजिएगा। अगर आप अपनी आईज को थोड़ा बिग बोल्ड दिखाना चाहते हो, अगर आपकी आंखें छोटी-छोटी है ना, तो एक बहुत ही अच्छा क्विक हैक है, या तो ब्राउन कलर या फिर व्हाइट कलर का या न्यूड कलर का आप आईलाइनर आप अपनी आंखों के लोअर यहाँ पे लगा लीजिए। काजल लगाना मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ क्योंकि काजल से आंखों को थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे लगाओ और मेकअप रिमूव ना करो तो बहुत अच्छा लगता है व्हाइट और न्यूड कलर का आईलाइनर। इनफैक्ट अगर आपके पास कोई ऐसा आई शेडो है जो कलर में बहुत ज्यादा लाइट है, पिगमेंटेशन नहीं है, अगर आपने ले रखा है, वैसे तो ये वाला आई शेडो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है रेवोल्यूशन का, आप ये ट्राई कर सकते हो, इसके अंदर सारे के सारे कलर्स मिल जाएंगे, फेस्टिव सीजन अप्रोप्रिएट है, आप डेफिनेटली इसको ट्राई कीजिएगा। इन केस आपका जो आई शेडो है वो लाइट कलर में है, पिगमेंटेड नहीं है, तो उसको ज्यादा ब्राइट दिखाने के लिए आप अपनी आंखों पे पहले व्हाइट आईलाइनर लगा दीजिए अच्छी तरीके से। अब इसके ऊपर कोई सा भी शेड लगाओगे, चाहे वो लाइट हो, डार्क हो, कैसा भी हो, कलर पॉप आउट होके निकलेगा, बहुत खूबसूरत गहरा रंग नजर आता है, जो रंग भी आप अपनी आंखों में भर दो। वेडिंग में अगर आप जाना चाहते हो और अगर आपके पास कॉन्टोर के लिए कुछ है नहीं या कलर करेक्टर नहीं है, तो आपको अच्छा खासा हैक बता देती हूँ। आप अपने लिपस्टिक से भी अपना कॉन्टोर कर सकते हो, कलर करेक्ट कर सकते हो, या लिपस्टिक को एज अ ब्लश, एज अ लिपस्टिक, एज अ आई शेडो यूज कर सकते हो। बस आपको देखने की जरूरत है कि आपके पास कौन सा शेड का लिपस्टिक है और आपके फेस स्किन टोन के साथ कौन सा जाता है। फॉर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन है तो आप अपनी ऑरेंज लिपस्टिक को लगाइए पहले और उसके बाद आप कंसीलर लगाइए। ऑरेंज लिपस्टिक लगाने का मतलब ये नहीं कि एकदम आपका कलर ऑरेंज कर दो, या आजकल हैक्स में दिखाते हैं कि रेड पूरी आईज करते हैं, तो पहले तो डार्क सर्कल को कवर करने के लिए रेड कलर लगाओ, फिर रेड कलर को छुपाने के लिए आप फाउंडेशन लगाओ, फिर कंसीलर लगाओ और लेयर अप करो, नहीं इतना करने की जरूरत नहीं है। आप एकदम हल्का कलर दीजिएगा और ऐसे ब्लेंड कीजिएगा कि आपके जो डार्क सर्कल्स हैं या पिगमेंटेशन है वो कवर हो जाए, ऑरेंज कलर ही नजर आना चाहिए बट आपके डार्क सर्कल्स छुप जाने चाहिए। अब आप अपना फाउंडेशन, कंसीलर कुछ भी लगा सकते हो। तो लिपस्टिक्स के बहुत सारे यूजेस हैं बट मेक श्योर घर आकर के मेकअप रिमूव जरूर कर लेना, लेकिन आपकी स्किन की बैंड बच जानी है। एक टिप देना चाहूंगी आप लोगों को, जब भी आप किसी पार्टी वेडिंग में जाते हो ना, तो प्लीज बॉडी शिमर जरूर लगाओ। बॉडी शिमर से ना मतलब ऐसा होता है कभी कभी ना आप मेकअप कर लेते हो, हाइलाइटर लगा लेते हो, लेकिन आपकी बॉडी डल नजर आ रही होती है, मेकअप ग्लो ही लग रहा होता है लेकिन आपका बॉडी है ना वो डल सा लगता है। तो ऐसे मत करो यार, दोनों को बैलेंस करके रखो। तो जो हाइलाइटर आपने अपने फेस पे लगाया है सेम आप अपनी बॉडी पे भी लगा सकते हो। इन केस आपके पास हाइलाइटर नहीं है तो आप DIY बॉडी शिमर भी बना सकते हो। एक्चुअली आपके पास जो आई शेडो पैलेट है ना
उसके अंदर है एक ग्लिटरी सा कलर होता ही होता है, या नहीं भी है तो आप ये वाला आई शेडो आप ट्राई कर लीजिए, इसके अंदर है। तो ये एज आई शेडो भी काम कर सकता है, ये एज अ इसके अंदर जो ब्राउन कलर है ये एज अ कॉन्टोर का भी काम कर सकता है, ये एज अ बॉडी शिमर का भी काम करेगा। वो ऐसे कि आप अपना कोई सा फेवरेट मॉइस्चराइजर ले लीजिए, फेस पे लगाना है तो फेस क्रीम ले लीजिए और उसके अंदर थोड़ा सा शिमर ऐड कर दीजिए, इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। अब आप इसको अपनी बॉडी पे लगाओ, लेग्स पे लगाओ, कॉलर बोन पे लगाओ, फेस पे लगाओ, हाइलाइटर प्लस बॉडी शिमर बन के तैयार है। बहुत ही अच्छा DIY हैक है। आप तैयार तो हो रहे हो लेकिन अगर आपके पास कंसीलर नहीं है तो क्या करोगे? बीबी क्रीम तो होगा ना, बीबी क्रीम तो आजकल हर किसी के पास होता है। आप जरा सा बीबी क्रीम ले लीजिए या फिर आप फाउंडेशन जरा सा ले लीजिए, जो भी ऑप्शन आपके पास है उसके अंदर आप कॉम्पैक्ट पाउडर डालिए। आप अपनी स्किन पर डाल सकते हैं, ट्रांसपेरेंट डाल सकते हैं, बेबी पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगी कि आप फेस का जो लूज पाउडर आता है ना वो डाल दीजिए। बनाना पाउडर भी डाल सकते हैं, काफी अच्छा होता है। उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। मेक श्योर जब आप मिक्स करें ना तो उसका कलर लाइट आना चाहिए, क्योंकि कंसीलर का कलर ना आपकी स्किन टोन से एक या दो शेड लाइट ही होता है। तो कंसीलर जब लाइट हो जाए, आपको लगे कि आपके स्किन पे सही बैठने वाला है, तो उसको अपने आंखों के नीचे लगा लीजिए। आप सेटिंग स्प्रे लगाएं या ना लगाएं कोई बात नहीं, लेकिन फाउंडेशन और कंसीलर लगाने के बाद आप लूज पाउडर जरूर लगाएं। अगर मुझे बोला जाए कॉम्पैक्ट पाउडर और लूज पाउडर में से क्या ऑप्शन मैं लूंगी तो मैं बोलूंगी लूज पाउडर। कॉम्पैक्ट पाउडर मैं पहले बहुत यूज किया करती थी, लेकिन अब वो यूज करना मैंने बहुत कम कर दिया है। अब मैं ज्यादा यूज करती हूँ लूज पाउडर, क्योंकि जब से मैंने लूज पाउडर यूज करना स्टार्ट किया है ना, मेरा मेकअप क्रीज होता ही नहीं है और स्किन एकदम वेलवेटी सॉफ्ट हो जाती है। तो जैसे ही आपने कंसीलर लगा लिया है ना, तो जरा सा लूज पाउडर लो और उसको आंखों के नीचे कुछ इस तरीके से लगा लो, और बेसिकली मैं आंखों के आसपास लगाती हूँ और लिप्स अराउंड लगाती हूँ बस, और कहीं नहीं लगाती। और इससे आपका फेस वेलवेटी सॉफ्ट हो जाता है, मेकअप लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाता है। लूज पाउडर डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं आपको कुछ दिखा रही हूँ। आप पैक का ले सकते हो, शुगर का ले सकते हो, पलवा का ले सकते हो, स्टे कोर्टी का ले सकते हो, बट लूज पाउडर जरूर ट्राई कीजिए। हम इंडियन गर्ल्स जब भी आईब्रो बनाते हैं ना, तो पता नहीं क्यों मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो सीधा जेट ब्लैक कलर ले लेते हैं और उससे आईब्रो अपना बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा नहीं लगता है अगर आप अपने आईब्रोज पे सीधा ब्लैक कलर लगाओ तो मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ ब्राउन या डार्क ब्राउन शेड, या फिर अपने आई शेडो पैलेट में से ही आपको जो ब्राउन कलर दिखता है ना वो लो, और प्रिसाइज उसका जो ब्रश आता है उससे आप लगाना स्टार्ट कर दो अपने आईब्रो पे। आप आई शेडो अपने आईब्रो पे लगा लो, लेकिन प्लीज आप ब्लैक कलर का लाइनर काजल अपने आईब्रोज पे ना लगाओ, वो बहुत ज्यादा गंदा लगता है। अच्छा आप रेडी हो गए हो लेकिन आपके पास लिपस्टिक सिर्फ दो ही हैं और आप कोई डिफरेंट कलर चाहते हो, या प्लीज जरूरी नहीं हर बार आपको शॉपिंग ही करने को मैं बोलूं, अगर आपके पास दो लिपस्टिक है, शॉपिंग नहीं करना चाहते हो, बजट थोड़ा कम है, तो दोनों लिपस्टिक को मिक्स मैच करके क्यों नहीं यूज कर लेते? मतलब प्ले विद द कलर्स, एक लाइट लगाओ एक डार्क लगाओ, दोनों को मिक्स करके देखो कौन सा कलर आता है, ड्रेस के साथ जाता है तो कलर लगा लो। सो गाइस ये तो थे वेडिंग के लिए कुछ मेकअप ब्यूटी हैक्स। अगर आपको पसंद आया हो लाइक करो, शेयर, सब्सक्राइब। मैं आपको फिर मिलूंगी और बेहतरीन एपिसोड में। बाय।